सो हेलो मेरे भाई लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरवीएस एनिमे हिंदी। वन पीस के वर्ल्ड में अगर तुम सबसे कमीने कैरेक्टर की अगर तुम कभी लिस्ट बनाओ ना, तो उसमें ये टॉप के दूसरे या तीसरे नंबर पे जरूर आएगा। फर्स्ट में कौन है? नो डाउट डॉफ्लामिंगो। लेकिन वही अगर मैं बात करूँ ब्लैक बियर्ड की, तो फ्यूचर के विलन होने के साथ साथ ये बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। ये आगे क्या करने वाला है इसका अंदाजा ही तुम नहीं लगा सकते, बिकॉज ये अपने दिमाग का भरपूर उपयोग करता है। अभी फिलहाल के टाइम पे ये योंको है, लेकिन फिर भी ये अंधों की तरह जा करके अपने से स्ट्रांग लेवल वाले कैरेक्टर या फिर अपने लेवल के कैरेक्टर से अंधों की तरह जा करके नहीं भिड़ता, बिकॉज उसको भी पता है अगर ऐसे वो भिड़ा ना, वो ज्यादा देर नहीं टिकेगा। उसको लंबा लास्टिंग करना है, उसको अपने मंसूबों में कामयाब होना है। वैसे क्या है उसका प्लान वो किसी को नहीं मालूम, वो क्या करना चाहता है ये बात भी किसी को नहीं मालूम, और आगे वो क्या करेगा ये तो तुम सोच भी नहीं सकते। वैसे हाल ही में वो कोई चीज लेने की बात कर रहा था, पर क्या चीज लेने की बात कर रहा था वो तक नहीं पता। ओडा ने इस कैरेक्टर को इतना ज्यादा मिस्टीरियस बना के रखा है ना, ये वन पीस के टॉप के मिस्टीरियस कैरेक्टर्स में से एक में आता है। अब मैं उन चीजों को बार बार दोहरा करके तुम्हारा फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज तुमको भी मालूम है क्या क्या मिस्टीरियस है। लेकिन हाँ, ये वो कैरेक्टर है जिसके बारे में हर वन पीस फैन जानना चाहता है। अब जैसा कि मैंने टाइटल में लिखा है, ब्लैक बियर्ड लूफी से पूरा ऑपोजिट है। कैसे? लूफी सैंक्स के क्रू को ज्वाइन करना चाहता था, बट सैंक्स ने मना कर दिया। लेकिन वही ब्लैक बियर्ड को देखो, व्हाइट बियर्ड के क्रू में अपनी जगह बना लेता है। एक बंदा चाहता पायरेट किंग बनना, तो दूसरा का बारे में हमें पता ही नहीं है। पर जो कुछ भी हो, मैन्स ड्रीम नेवर डाई, ये एपिक लाइन इसी के मुंह से सुनने को मिला था। पर अगर हम लूफी और ब्लैक बियर्ड को ध्यान से देखें, तो एक बात तुमको मालूम पड़ेगा, दोनों ने अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए एक दूसरे से एकदम ही ऑपोजिट डिसीजन लिया है। ब्लैक बियर्ड ने बेईमानी का रास्ता चुना है, तो वहीं लूफी ईमानदारी से, चाहे वो योंको को ही हराना, वो डायरेक्ट जाके काइडो को चैलेंज किया है। और वही तुम अगर चल जाओ ब्लैक बियर्ड की तरफ, भाई इसने योंको को धोखे से मारा था। वो योंको जो ब्लैक बियर्ड को अपने बेटे जैसा मानता था, यहाँ तक कि इसने अपना डेविल फ्रूट भी किसी को मार के लिया था। इसके सिप का नेम है सेवर ऑफ जेबेक, जो कि साफ साफ हमें इशारा करता है कि ये रॉफ डी जेबेक को एडमायर करता है। एक और बात, क्या तुमने गौर किया, लूफी अभी योंको नहीं बना, लेकिन फिर भी वो किसी योंको के टेरिटरी में घुसने से नहीं डरता, और वो डायरेक्ट घुस भी जाता है। बहुत बार घुस के निकल भी चुका है, बहुत बार क्या एक ही बार घुसा है। पर वही अगर तुम चल जाओ ब्लैक बियर्ड की, तो वो इस चीज को इग्नोर मारता है। तुमको याद होगा मरीनफोर्ड वॉर के बाद वो जो 2 साल जो बीते थे, जिसमें लूफी ने अपना ट्रेनिंग किया था रैली के साथ, उस वक्त ब्लैक बियर्ड योंको बन गया था। उसने व्हाइट बियर्ड की जो टेरिटरीज थी वहां पर हमला करना चालू कर दिया था, लेकिन उसने फिशमैन आइलैंड को टच तक नहीं किया, बिकॉज वो उस वक्त ना लेलेन के टेरिटरी बन चुकी थी। और शायद वो भी जानता यार, वो डायरेक्ट जाके किसी योंको से भिड़ के अपना ही नुकसान क्यों करवाएगा। अगर तुम ये सोच रहे हो कि ब्लैक बियर्ड वीक है, तो ये तुम्हारा सोचना गलत है, बिकॉज सैंक्स जैसा बंदा अगर उसको सीरियसली लेता है, तो पक्का यार वो स्ट्रांग तो है। और जिस हिसाब से उसके बाद दो दो स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल फ्रूट है ना, पैरामीसिया और लूकिया कैटेगरी का, फिर तो यार वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। लेकिन फिर भी यार, इन लोगों ने एक और कारनामा तो जरूर किया है। ब्लैक बियर्ड पायरेट ने जाकर के रेवोल्यूशनरी आर्मी का जो हेडक्वार्टर था उसको कब्जे में लिया। मतलब योंको से फाइट नहीं करना है, लेकिन रेवोल्यूशनरी आर्मी के टेरिटरी को कब्जा करने से ये लोग नहीं डरते, उनसे ये भिड़ सकते हैं, लेकिन इन लोग से नहीं भिड़ सकते। ये चीजें हमें ना साफ साफ इशारा करके बताती है ब्लैक बियर्ड फालतू के लफड़े नहीं चाहता, वो स्ट्रांग है, वो फाइट कर सकता है, वो योंको के साथ भी फाइट कर सकता है, लेकिन वो इस चीज को करके अपना नुकसान नहीं करवाना चाहता। बस यही रीजन है, वो इस वजह से फालतू के फाइट को अवॉइड करता है। अब हाँ, ये बंदा सीरीज का आने वाला विलन है, तो ये खतरनाक तो जरूर होगा, और ये आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा, बिकॉज एट द एंड इसको लूफी को हराना जो है, वैसे ये लूफी को हरा नहीं पाएगा, बिकॉज लूफी इस सीरीज का मेन कैरेक्टर, वो जैसे ना तैसे करके इसको हरा ही देगा अगर इन दोनों का सामना होता है तो। वैसे एक और चीज, क्या तुमने गौर किया, ब्लैक बियर्ड का डेविल फ्रूट है डार्क डार्क फ्रूट, वो डार्कनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो वही अगर हम लोग चल जाए लूफी के डेविल फ्रूट की, तो इसका ओरिजिनल नेम है हितो हितो नोमी मॉडल नीका। नीका
सन गॉड निका। देख रहे हो, एक और डार्कनेस तो दूसरी और सन गॉड का मॉडल है। हुए ना दोनों बहुत ही ज्यादा ऑपोजिट। वैसे यार इन चीजों को लेकर के आज मैं बात करना चाहता था। और हाँ, एक और बात, तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना, क्या तुम लोग को रेवोल्यूशनरी आर्मी के ऊपर वीडियो चाहिए? बिकॉज अगर तुम लोग बोलोगे तो उसके ऊपर बना दूंगा। रेवोल्यूशनरी आर्मी का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है उससे रिलेटेड मैं अपना प्रेडिक्शन लगाऊंगा। अगर तुमको जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलना। प्लस ब्लैक बियर्ड से रिलेटेड हमें बहुत ही कम जानकारी है, तो इन चीजों को लेकर के मैं डिस्कस करना चाहता था। अब तुम लोग का क्या मानना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय दो। और हाँ, ब्लैक बियर्ड पे और भी वीडियोस आने वाली है, थ्योरी भी आएगा। तो यार वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक मारना मत भूलना। साथ ही साथ अगर तुम घूमते काम इस चैनल पे नए आ गए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। प्लस जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तुम्हारे पास नोटिफिकेशन चल जाएगा और तुम पहले देख सकोगे। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।